नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नव्या फूड ब्लॉगर में। तो मैं आ गई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। यहाँ देखिए, ये मेरे पास है सेव। तो हमारे यहाँ पे इसे सेव कहते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरीके से होता है। ये इस तरीके की फली होती है इनकी। तो ये हमारे यहाँ पे इसको सेव बोला जाता है। आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है वो आप देख लीजिएगा। मैंने इसीलिए ये आपको दिखाने के लिए ये कुछ फली रख ली थी बचा करके, और मैंने बाकी की इस पर काट ली है और अच्छे तरीके से इसको धो लिया है। आज हम इसी की चटपटी मज़ेदार सब्जी बनाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ और चीज़ें भी कट करके रखी हुई है। एक टमाटर है बड़े साइज़ का, एक प्याज है जिसको मैंने इसे भी कट कर लिया है, दो हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक करके कट कर लिया है, और दो आलू है। आलू डालने से फली में बहुत मज़ा आता है, बहुत ही चटपटी और मज़ेदार हमारी ये रेसिपी बन करके तैयार होगी। तो चलिए, पहले हम ये जो बाकी की बची हुई है इसे भी अच्छे तरीके से काट लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से इसे कट करना है। तो यहाँ पे हमें पहले इन ऊपर से इस तरीके से इसे कट कर देना है, साइड से ये निकाल देना है। इस तरीके से हम नीचे से भी हटाएंगे तो ये अच्छी तरीके से कट करके तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसे कट किया है। आप इसे इसी तरीके से पूरा भी बना सकते हैं, लेकिन जो कट करके मज़ा आता है क्योंकि इसमें अच्छी तरीके से मसाला भर जाता है। इसी तरीके से हमें ये कट कर लेना है और इन्हें धो लेना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने काट करके और इसमें धो करके अच्छे तरीके से डाल दिया। चलिए अब इसका मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। तो मैं इसकी ये सूखी सब्जी बनाने वाली हूँ। सूखी सब्जी ये बहुत ही चटपटी बन करके तैयार हो जाती है। तो इसे हम बनाएंगे सरसों के तेल में। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन सूखी सब्जी का मज़ा सरसों के तेल में ही आता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए, तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने देते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, पास में ही बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए, तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। सरसों के तेल में जब भी आप सब्जी बनाएं, तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिएगा, क्योंकि सरसों के तेल में जो इसमें स्मेल होती है सरसों की, वो थोड़ा सा बहुत आँखों में जलन सी हो जाती है। तो आप इसे अच्छी तरीके से पहले गर्म कर लीजिएगा जब तक इसमें हल्का हल्का धुआं ना निकलना शुरू हो जाए। तो चलिए, तेल तो हमारा गर्म हो गया है। हम डाल देते हैं 1 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा डालेंगे। जीरा अच्छी तरीके से भून करके तैयार हो गया है। मैं डालूँगी इसमें प्याज। प्याज को अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक इसमें अच्छी तरीके से ये इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो हमें तब तक इसको प्याज को भूनना है। तो चलिए, प्याज भूनना शुरू हो गया है। देखिए, इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी टाइम पे हम डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने काट के रखी हुई है ना, वो हम इसमें डाल देते हैं। इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं प्याज के साथ ही। चलिए, प्याज और हरी मिर्च भी भुन गई है। अब मैं डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे, जिसका भी कच्चापन होता है वो निकल जाएगा। चलिए, ये भून करके तैयार हो गया है। और देखिए, प्याज भी अच्छी तरीके से भून गई है। खाना आप जब भी बनाएं, मसाले को अच्छी तरीके से भूनिएगा। जब तक आप मसाले को नहीं भूनेंगे तो तब तक आपकी सब्जी में टेस्ट ही नहीं आएगा। मसाले को भूनना ही, जब भूनेंगे तभी टेस्ट आता है अच्छे तरीके से। चलिए, अब मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया है। टमाटर को भी अच्छे तरीके से भूनेंगे, और इसी के साथ हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। जिसमें सबसे पहले मैं डाल देती हूँ छोटी वाली 1 टीस्पून नमक। नमक से क्या होगा, टमाटर और मसाले अच्छे तरीके से भून जाएंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही डालेंगे रेड चिली पाउडर, और इसी के साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और इसे अच्छी तरीके से करेंगे हम पहले मिक्स। चलिए, जब मसाला भून रहा है उसी टाइम पे हम डालेंगे हींग। हींग लिया है मैंने 1/4 टीस्पून। हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सूखी सब्जी के अंदर। इसी के साथ अब हमारा मसाला देखिए भून करके तैयार हो गया है। मसाले में से तेल निकलना शुरू हो गया है, ये देखिएगा। अब हम डालेंगे इसमें फली जो हमने काट के रखी हुई है।
इसी के साथ हम डाल देते हैं आलू को भी, क्योंकि मसाले के साथ ये सभी चीज़ें हमारी भून करके तैयार हो जाएंगी। अभी मैं अच्छे तरीके से करेंगे हम ये। देखिए जब मसाले में अच्छे तरीके से ये सब्जी हमारी मिक्स हो जाएगी तो बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बन करके ये तैयार हो जाएगी। मसाले के साथ पहले इन्हें सूखी सब्जी को अच्छी तरीके से हमें भूनना है। 2 से 3 मिनट लगेगी इसे भूनने में मसाले के साथ, तो इसे भूनने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ सब्जी को हमें इस तरीके से भूनना है। ये ही नहीं, कोई सी भी आप सूखी सब्जी बनाइएगा तो सब्जी को इतना भून लीजिएगा जिससे कि जब ये सब्जी को हम भूने मसाले के अंदर तो तेल अच्छी तरीके से निकल जाए, तभी हमारा ये मसाला और ये सूखी सब्जी अच्छी तरीके से भून करके तैयार होगी। और सूखी सब्जी में अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा मिर्ची और हल्का सा नमक थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, ज़्यादा नहीं अपने हिसाब से। आप ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ डालना ही है, आपको जितना पसंद है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर चटपटी खानी है तो थोड़ा सा मिर्च आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए भून करके अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। ये देखिए तेल अच्छे तरीके से निकलने लगा है। अब हम इसी टाइम पर डाल देंगे 1/2 ग्लास पानी। तो मैं यहाँ पर पानी डाल देती हूँ। पानी इतना डालना है कि जिससे कि ये आलू अच्छे तरीके से पक जाए, इसमें गल जाए, इतना हमें पानी डालना है। और अब इसे ढक के पकने देना है 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि कुछ हमने भूनने में ही हमारी कुछ सब्जियाँ पक जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, और जो आलू है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो ही हमें पकाना है इसमें सब्जी के अंदर। चलिए मैं अब इसे ढक के पकने देती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए, या जब तक 5 से 10 नहीं तो 10 से 12 मिनट, जब तक ये अच्छी तरीके से आलू पक ना जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो चलिए फ्रेंड, 10 से 12 मिनट हो गई है। एक बार सब्जी को चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू सॉफ्ट हुए या नहीं। वाओ, देखिएगा कितने बढ़िया हमारे ये बन करके तैयार हुए हैं। ये देखिए, और पानी भी इनका सब सूख गया है और ये सूखी सब्जी हमारी तैयार हो गई है। आलू को भी अच्छी तरीके से तोड़ करके देख लेते हैं, फोड़ करके। ये देखिए जब हम इसे इस तरीके से कट कर रहे हैं तो ये आसानी से कट रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। गैस की फ्लेम को कर देंगे पहले बंद और अब इसमें डालेंगे हरा धनिया। और भी हमारी चटपटी मज़ेदार सब्जी लगने वाली है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और आइए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे पराठे, चावल की रोटी या गेहूं की रोटी किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये खाने में इतनी मज़ेदार है कि जो भी खाएगा आपके ही गुण गाएगा। इस तरीके से बन करके ये हमारी चटपटी मज़ेदार सब्जी तैयार हो गई है। ये लीजिए, और थोड़ा सा इसे गार्निश कर देते हैं हम हरे धनिए के साथ। और भी मज़ेदार हमारी ये सब्जी लग रही है, देखिएगा। तो खाना खाने से पहले क्या होता है कि सब्जी हमारी देखने में अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे ये खाने में भी अच्छी लगेगी। सबसे पहले हम आँखों से इस तरीके से सब्जी को देखते हैं तो मन ललचाने लगता है, जी करने लगता है कि हम इसे सभी को खा जाएंगे, देखने में इतनी टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने तो इसको सर्व कर लिया है, मैं चलिए इसको खाने। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिएगा कितनी मज़ेदार लग रही है। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, पास में ही बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।